हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संध्या फ्लेवर जंक्शन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये जल्दी से बन जाने वाला बेसन चीला। ये लोगों को सबको बहुत पसंद होता है। जब हम शादी फंक्शन में जाते हैं और चीला जब हमारे सामने होता है तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते चीला खाने से। तो आज मैंने सोचा कि ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ये बहुत अच्छा बनता है। आप इसको ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के तौर पर, चाय के साथ कभी भी आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए हम जल्दी से इस रेसिपी को बनाते हैं और जल्दी से शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट को बनाने की। इस चीले को बनाने के लिए मैंने ले ली है एक छोटी सी अनियन। इसको हम बारीक काट लेंगे इस तरह से। इसको बस हमने बारीक रखनी है ताकि जो चीले में जब ये अनियन का टेस्ट आता है तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और इसी के साथ में हम ले लेंगे ये एक टमाटर। ये टमाटो को भी हम चॉप कर लेंगे बारीक बारीक कुछ इस तरह से। अब ये देख सकते हैं कि मैंने बारीक इस टमाटर को काट लिया है। इसी के साथ में हम ले लेंगे, ये मैंने दो हरी मिर्ची ली हैं, बड़े साइज़ की हरी मिर्ची हैं, तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। चीले में हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये दो हरी मिर्ची ली हैं, इनको भी मैं बारीक से काट लूँगी। इसी के साथ में मैं ले लूँगी ये बेसन। बेसन मैंने अपने हिसाब से ले लूँगी, तो मुझको चीले 3 से 4 चीले बनाने हैं तो इसके लिए मैं अपने हिसाब से बेसन ले रही हूँ। आपको जितने चीले बनाने हो आप उतने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने ये 4 चीले बनाने के लिए 6 से 7 चम्मच, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटे चम्मच हैं, बेसन लिया है। इसमें हम पानी डालकर इसका एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाएंगे। बैटर को हमने बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना और बहुत पतला भी नहीं रखना, बस इतना होना चाहिए जैसे कि हम डोसे के लिए बैटर को रखते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम ऐड करेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये इसका स्मूथ बैटर बन चुका है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये 1/3 स्पून हल्दी और ये मैंने 1/2 स्पून लाल मिर्ची डाली है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी डाली है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं मिर्च, जितना आप खाना पसंद करते हैं। ये मैंने 1/2 चम्मच इसमें अजवाइन डाली है, इससे इसका डाइजेशन होता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और मैंने ये 1/3 स्पून इसमें खाने का सोडा डाला है। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम इन सब मसालों को। और इसके साथ में हमने जो प्याज काट के रखी थी, हरी मिर्ची काट के रखी थी और जो टमाटर काटे थे वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपको टमाटर इसमें खाना पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, मुझे टेस्टी लगता है खाने में और मेरे फैमिली में सबको पसंद है तो मैंने इसलिए डाला है। इसी के साथ में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग अपना नमक डाल देंगे और बस इसको अच्छे से मिला लेंगे। और मुझे ये देखने में बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ ताकि इसका एक अच्छा स्मूथ बैटर बन जाए। पानी हम इसमें बहुत हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी हमने इसको पतला नहीं रखना, बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना, बस इतना होना चाहिए कि तवे पे डालकर अच्छे से फैल जाए बस। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम तैयार करते हैं अपना चीला बनाना। तो मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। तो ये नॉन स्टिक है पैन, अगर आपके पास जिस पे आप रोटी बनाते हैं उस तवे पे भी इसको आप आराम से बना सकते हैं, ये बहुत आराम से चीला बन जाता है। तो मैंने कम ऑयल का इसको मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा ऑयल मैंने इस पे डाला है ताकि एकदम चिपके नहीं, नहीं तो हम जो बैटर डालेंगे तो वो चिपक जाएगा। तो पहले हम हल्का सा इसको चिकना कर लेते हैं तवे को या पैन को। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके हम इस बैटर को डालेंगे और अच्छे से फैला लेंगे इसको इस तरह से। तो बहुत आराम से फैल जाता है और बहुत ही आराम से ये बन जाता है, चिपकता नहीं है एकदम, क्योंकि इसके नीचे ऑयल है। अब बस इस ऑयल को हम इसके चारों ओर ऐसे इस तरह से फैला लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके ऊपर बबल्स आ चुके हैं और ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं ताकि ये अच्छे से सिक जाए। और अब हम इसको पलट देंगे आराम से इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। और इसमें वेजिटेबल्स भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो आप वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं।
आप इसमें कैप्सिकम डाल सकते हैं या जो भी वेजीज आप इसमें डालना चाहते हैं, कैरेट वगैरह, वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास अभी इस टाइम पर ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी और बच्चे खाते भी नहीं, तो मैंने इसलिए डाला नहीं, इसमें सिर्फ टमाटर और प्याज डाला है। और इस चीले को बनाने की सबसे ख़ास बात यह है कि घर के सामान से ही ये चीला तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती और बहुत जल्दी से बन जाता है, नहीं तो हमें बहुत देर तक किचन में खड़ा रहना पड़ता है। ये जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है और सबको बहुत पसंद भी आता है। तो चीला रेडी है, अब हम दूसरा चीला बना के तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है और मैं चीले को भी अब डाल दूँगी और इसको फैला लूँगी और ये भी हम जल्दी से अपना चीला बना कर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम फिर इसको फैला लेते हैं और जहाँ पर लगता है कि बैटर कम है तो वहाँ पे थोड़ा सा और डाल देते हैं इस तरह से। तो ये बहुत अच्छा बनता है खाने के लिए और सबको बहुत पसंद आता है, तो आप इसको ब्रेकफास्ट में ज़रूर से आप इसको ट्राई करिएगा। अब इसको पलट लेते हैं हम, देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। इसी तरह से हम सारे चीले बनाकर रेडी कर लेते हैं और मैं ये सारे चीले बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो बनकर तैयार हो चुका है ये टेस्टी सा चीला हमारा बेसन का, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको केचप के साथ या फिर हरी चटनी के साथ और या फिर चाय के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। चाय के साथ तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और इसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर से ब्रेकफास्ट में आप ट्राई करिएगा, ये आपको आई होप कि पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझको कमेंट में ज़रूर से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो मैं अब चलती हूँ आपके लिए और नई रेसिपी लाने के लिए, और आप मेरे चैनल को उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो मैं चलती हूँ आपके लिए और नई रेसिपी लाने के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियो। ओके, बाय बाय।